understand the basic concept of kinetic energy. क्या बात है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार? What is काइनेटिक एनर्जी? यार इस दुनिया की कोई भी चीज अगर मोशन में हो, if any of the object comes in motion, it means that object possesses काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है. तो मैं यहां पे सिंपल वर्ड्स में लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट पजेस काइनेटिक एनर्जी. बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है. तो इसका मतलब मैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा हूं, तो मैं किस में चल रहा हूं? मोशन में. देखो मैं आ रहा हूं, मैं किसमें दिख रहा हूँ? आई मीन मोशन. मैं किसमें हूँ यार? मैं मोशन में हूँ. तो आप क्या कहोगे कि मुझ में जो एनर्जी प्रेजेंट है ना, वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. जैसे मैं ये हैंड को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो हैंड है ये मोशन में दिखाई दे रहा है. मेरा हैंड मोशन में दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो हैंड है यार, वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी. क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया. तो हमारे दिल और दिमाग में एक बात तो तय हो चुकी है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन में होती है. ठीक है, अब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर मोशन में है, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है. तो अगर मैं मोशन में हूं, मैं इस पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट. मतलब मेरा ये जो पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी. क्या कह दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? मैं इसे कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी. तो लेट अस कंसीडर कि मैं यहां पे हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, और इस पॉइंट से मैं ऐसे मूव करने वाला हूं और मैं यहां पे पहुंचने वाला हूं. क्या बात है सर. तो अगर मैं यहां से निकल रहा हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी माय इनिशियल वेलोसिटी. ओके, और मैं यहां पे पहुंचूंगा तो ये मेरी बन जाएंगी फाइनल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. बहुत बढ़िया. जैसे कि मैं यहां से यहां पे निकला हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पोजीशन को चेंज किया. मतलब मैं यहां से यहां पहुंचा, तो इतना ओवरऑल डिस्टेंस मैंने कवर किया. तो इतना ओवरऑल जो डिस्टेंस मैंने कवर किया माय डियर स्टूडेंट्स, वो लेट अस कंसीडर, वो डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, या तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे और उसको हम लोग एस से डिनोट कर देंगे. तो भैया अगर कोई चीज मोशन में है ना तो उसके साथ कौन कौन जुड़ा है? फिलहाल के स्टेज पे हमने देखा कि उसके साथ यू जुड़ा है, फिर हमने देखा वी जुड़ा है, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ा है. सर ये देखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो. बहुत बढ़िया, क्या बात है. सर अगर ये हो रहा है, तो इसके साथ एक चीज और बदल रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम. सो बेसिकली व्हाट इज टाइम? क्या है यार टाइम? क्या होता है टाइम? किसे बोलते हैं टाइम? तो टाइम वो होता है जो मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप वॉच को देख के नहीं बोलोगे कि इतने बजे हैं. जैसे कि आप लोगों ने यार ऋतिक की वो मूवी देखी होगी यार, क्या नाम उसका, मोहनजोदारो. यस, मोहनजोदारो मूवी अगर आपने देखी होगी, तो उस मूवी में आपने क्या देखा होगा कि वो बात कैसे करता है कि 20 बारिश के बाद, 20 रेनी सीजन होने के बाद हम ये काम करेंगे. इट मींस व्हाट? दे आर काउंटिंग, वो गिन रहे हैं कितने रेनी सीजन आ गए. अगर मैं कहूं कि मेरे दिल की 20 धड़कन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो 20 धड़कन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब मैं आपको पढ़ाऊंगा. मतलब मैंने क्या किया, मैंने 20 धड़कन के बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट किया. इट मींस दैट इज व्हाट माय टाइम इज. उसको हम लोग टाइम बोलते हैं. मैंने टाइम ही किया ना, मैंने इतने देर के बाद मैं पढ़ाऊंगा, वही मेरे लिए कौन है? टाइम ही है. समझ में आया? तो मैंने भी यहां से इनिशियल पोजीशन से जब मैं फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं. मतलब ही मेरे पास टाइम जुड़ा हुआ है. मतलब दुनिया की हर चीज अगर मोशन में है, तो यार वो तो टाइम है. मतलब टाइम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा. सर मेरे घर में मेरे बाजू के टेबल पे वो टीवी बहुत दिन से रखा हुआ है, वो तो रेस्ट पे है. फिर सर आप कैसे बोलेंगे वो टाइम पे चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? अगर आप सन पे बैठे हो, अगर आप सन पे बैठे हो और सन से हमारे अर्थ की तरफ देख रहे हो, तो आप अर्थ को देख पाओगे. तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ऐसा गोल गोल घूमता है.
इसका मतलब अगर आप वहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको अर्थ मोशन में दिखेगा, और अगर अर्थ मोशन में दिखेगा तो अर्थ में सारी बैठी हुई चीज भी किसमें दिखेंगी, मोशन में दिखेंगी। इसका मतलब टाइम तो लागू है। तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम, यू वी एस और टी। सर और एक चीज जुड़ी हुई है, कौन? यार अगर मैं मोशन में हूं ना, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, तो इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया, डिस्प्लेस हो गया, बट जब जब वेलोसिटी आती है, हमने पढ़ा है, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, जब जब वेलोसिटी आएगी यार, तो हमें पता है कि उसके साथ एक्सेलरेशन जुड़ा रहेगा और 110% एक्सेलरेशन रहेगा। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, तब जाके जन्म हुआ एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन मिला। इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये पांच वेरिएबल इसके साथ जुड़े हुए हैं। कौन से हैं यार? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है? मतलब मोशन, काइनेटिक एनर्जी तो ध्यान में आ गई, बेसिकली होती क्या है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके का वर्क डन है, ठीक है सर? एक तरीके का वर्क डन आप कैसे बोल सकते? यार ध्यान दो, what do you mean by work done? देखो मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं कि आप लोगों को आगे में एक अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आसान लगे। तो what is work done सर? Work done, ये सब एक-मेक से जुड़े हुए हैं बच्चों, सब एक-मेक से जुड़े हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझो। सर वर्क डन क्या होता है, काम क्या होता है? देखो साइंस क्या कहता है कि अगर आप 10 घंटा खड़े हो, सिर्फ खड़े हो यार, कुछ नहीं कर रहे, किसी के इंतजार में आप 10 घंटा खड़े हो, ठीक है, ओके, कोई नहीं, तो आप 10 घंटा खड़े हो और 10 आवर्स खड़े हो और घर गए और घर जाने के बाद आप जाके बैठ गए, तो आप घर में क्या बोलोगे? बाप रे, मैं 10 आवर्स उभर आ लो, पापा मैं 10 घंटा खड़े रहा, मैं बहुत थक गया। तो साइंस क्या बोलेगा, मतलब आप क्या बोलोगे कि मैंने काम किया? तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है तूने कोई भी काम नहीं किया। तो बोले क्यों? साइंस के अकॉर्डिंगली काम वो है, वर्क वो है जिसमें आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करो यार, और वो फोर्स लगाने के वजह से ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे आप देखो मुझे यहां पे, मैं पूरी ताकत लगा के इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, पूरी ताकत। आप देख रहे ना मैंने कितनी एनर्जी दी, यार ये देखो, पूरी ताकत, पूरा पसीना निकल गया, फिर भी ये दिवाली ये बोर्ड मूव हुई क्या? नहीं। आपने देखा ना कि मैंने कितना काम किया, फिर भी साइंस कहेगा कि 1% काम नहीं किया। फिर अगर मैंने वही ये छटक भर का चौक, ये चौक बस यहां से उठा के यहां रखा, तो साइंस बोलेगा हाँ अब तूने काम किया। इट मीन्स वॉट माई डियर स्टूडेंट, इट मीन्स वॉट कि जब जब किसी भी चीज के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई करने के वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। इस पे आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, तो साइंस कहेगा काम किया, वर्क डन हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, कोई भी चीज अगर मोशन में है, If any object is in motion, basically इसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब ये object motion में है, चल रहा है, move कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं खुद को क्या लगा रहा हूँ? Force लगा रहा हूँ, और मैं खुद displaced भी हो रहा हूँ, मतलब मेरे पे force भी लग रहा है, और मैं खुद displaced भी हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पे काम हो रहा है। और कोई भी चीज़ अगर motion में है, तो वो क्या possess करती है? Kinetic energy। तो basically हमारा जो work done है, वो एक energy का ही part है। मतलब हमने सीखा है कि कोई भी काम बिना एनर्जी से नहीं हो सकता, है ना? एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, कि अगर किसी की चीज का हम लोगों को काम करना है तो वी नीड एनर्जी। सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। काम करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है वो एनर्जी है, बराबर है? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके पास एनर्जी आएगी कहां से? काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। इन द सिमिलर फैशन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यार, तो उसे एनर्जी मिली है। किसके फॉर्म में मिली है? काइनेटिक के फॉर्म में मिली है, उसको बोलता है काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी के वजह से वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और काम करने के वजह से हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है,
तो इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और इसको और हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, समझ में आया? मतलब आप इसको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस ढंग से भी लिख सकते हैं या वर्क के तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं, मतलब ये एक तरीके की हमारी कौन है, एनर्जी ही है। क्लियर है? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमारा जो फार्मूला बनता है वो मैन्युपुलेट हम हमारे हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है।